हाय एवरीवन, ये सेशन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं, जिस एग्ज़ाम में एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेट का एग्ज़ाम हो गया, गैट का एग्ज़ाम हो गया, ईवन प्यास नस्ट यूईटी, कोई भी एंट्री टेस्ट बेस्ड एग्ज़ाम हो गया। मैंने बहुत से लोगों से कहते सुना है कि यार मैं तो ऑब्जेक्टिव से डरता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव पेपर में तुक्के मार आता हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, 6 स्टेप्स बताने वाला हूँ। ये 6 स्टेप्स 6 तरीके रिसर्च बेस्ड हैं और आप लोग आगे चलकर इन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम सॉल्व करते हुए। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आता या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मिसाल के तौर पे नॉर्मली एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, आपको 2 ऑप्शंस का तो पता है कि ये नहीं हो सकती, पर 2 में आप अटक गए हैं, उनमें सबसे प्रोबेबल आंसर क्या होगा, वो मैं कैसे लगाऊंगा, तो आज हम यही सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है और जिसका ख्याल रखना है, वो है नेवर फॉलो द सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो हमारी आदत होती है, या हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं पेपर को सॉल्व करना, या इवन कुछ लोगों में ये भी आदत होती है कि वो लास्ट क्वेश्चन से पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो 100 क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे, फिर 99, फिर 98, इस तरह। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। अच्छा, तो फिर आप ये पूछेंगे कि अगर हमने किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना तो फिर हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यही हमारा सेकंड स्टेप है कि आपने अपने पेपर को, जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो, उससे 3 स्टेजेस में अटेम्प्ट करना है। मिसाल के तौर पे आपका पेपर जो है वो 3 आवर्स का है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने पेपर को 3 सेपरेट स्टेजेस में ब्रेक कर लेना है। पहली स्टेज वो होगी, अब पहली स्टेज जो होगी उसमें आपने क्या करना है, वो आपने 45 मिनट के आसपास की रखनी है। दूसरी स्टेज आपने 1.5 आवर के आसपास की रखनी है, या इसे आप 2 आवर्स तक भी ले जा सकते हैं। और जो लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज आपकी होगी, वो सबसे छोटी होगी। कितनी छोटी, जितनी छोटी हो सकती है। और जो आपकी सबसे बड़ी स्टेज इस हिसाब से कौन सी हुई, सेकंड स्टेज। अच्छा, मैंने आपको ये बताया अभी तक कि आपने जब भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को सॉल्व करना है तो आपने किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। ये नहीं करना कि आप question 1 से लेकर question 100 तक सॉल्व करने बैठ जाएं, बीच में आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आप टाइम जाया करना शुरू कर दें। ये भी नहीं करना आप 100 से 1 तक आना शुरू कर दें। आपने क्या करना है, आपने अपने पेपर को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देना है। पहली आपकी वो स्टेज होगी जिसको, जिसके लिए आपने सपोज 45 मिनट जो है वो फिक्स कर दिए। अगर 3 आवर्स का पेपर है तो, अगर 2 आवर्स का पेपर है तो आपने इस टाइम को उस हिसाब से डिवाइड कर लेना है। और सेकंड स्टेज में आपकी कितने टाइम की होगी, वो 1.5 से 2 आवर्स की होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होगी और सबसे लेंथी स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज आपकी सबसे छोटी होगी, कितनी छोटी, जितनी पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, अब आपने फर्स्ट स्टेज में आपने क्या करना है, आपने सारे क्वेश्चंस देखते जाना है। पहला क्वेश्चन आया,
आपको आता है, आपने कर दिया फौरन। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, आपको देख के पता चला कि आपको क्वेश्चन तो आता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपने उसे छोड़ देना है। आपने थर्ड क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आता, आपने छोड़ देना है। आपने फोर्थ क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आता। इस तरह फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ आपको नहीं आते, तो आपने वो छोड़ देने हैं। तो आसान अल्फाज में क्या मतलब हुआ बात कहने का? सबसे पहले पहली स्टेज में आपने पूरे का पूरा पेपर एक दफा गो थ्रू करना है, एक बार देखना है, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो फौरन आपने टिक करते जाना है। और जो क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपने फर्स्ट स्टेज में नहीं करने, वो आपने सेकंड स्टेज में करने हैं। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते वो कब कब होंगे? वो थर्ड स्टेज में। असल में होता क्या है, अगर आप सारे क्वेश्चंस नहीं देखते तो बीच के क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, और एग्जामिनर ऐसा जानबूझकर करता है कि वो बीच में टफ क्वेश्चन रखता है ताकि स्टूडेंट जो है उन पे अटक जाए और दूसरे क्वेश्चन जो उससे आते भी हों वो भी उससे छूट जाए। सेकंड, अगर आपने शुरू से पेपर हल करना शुरू कर दिया तो जनरली ऐसा देखा गया है कि स्टार्ट के 10 और लास्ट 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े टिपिकल किस्म के होते हैं। वो इसलिए डाले जाते हैं कि अगर आपने पहला क्वेश्चन किया वो आपको नहीं आया, आपने दूसरा किया आपको नहीं आया, इस तरह आपने तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपको नहीं आया, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। और तो जो आता भी होगा आपको वो भी फिर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर टू नॉट टू फॉलो द सीक्वेंस। तो क्या बात समझ आई? फर्स्ट स्टेज में जो सीधा सीधा आता है आपको, आपने सोचना नहीं है, डायरेक्ट कर देना है। अब सेकंड स्टेज जो है 1.5 आवर की स्टेज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। इसमें आपने वो सवाल करने हैं जो आपको आते हैं पर आपको सोचना पड़ना है, इसलिए ये टाइम लेती है स्टेज, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी स्टेज होती है। अब बात आएगी आपकी थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज की। अब आपके पास जो टाइम बच रहा है इसमें आपने वो सवाल अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते ही नहीं है, पर क्योंकि टाइम बच रहा है तो आप अब कोशिश कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो थर्ड स्टेज आपने उन्ही क्वेश्चंस के लिए रखी हुई है जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, तो आपने इन स्टेजेस का ख्याल रखना है। ये एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर्स करने की दोनों ही बड़ी अहम ट्रिक्स हैं। कौन कौन सी? एक, आपने कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। सेकंड, आपने अपने पेपर को तीन स्टेजेस में अटेम्प्ट करना है। पहली स्टेज में आपने सिर्फ पेपर को गो थ्रू करना है और जो आपको क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं वो आपने अटेम्प्ट कर देने हैं। सेकेंड स्टेज में जो क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, वो आपने सोल्व करने हैं। तो थर्ड स्टेज में आपने सारे वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन क्योंकि टाइम है आपके पास लिहाजा आप वो क्वेश्चन थर्ड स्टेज में अटेम्प्ट करेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं और वो है एलिमिनेशन ट्रिक। एलिमिनेशन का मतलब होता है, सपोज आपके पास चार ऑप्शन हैं और आपको उनमें कन्फ्यूजन है कि आपका आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपने एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो यूज करनी है। अब ये जो एलिमिनेशन टेक्निक है ये क्या कहती है? ये एलिमिनेशन टेक्निक कहती है कि आपने जो ऑफसेट वैल्यूज हों आपके क्वेश्चन के एमसीक्यूज की ऑप्शंस में वो आपने रिमूव कर देनी है। ऑफसेट वैल्यूज कौन सी होती हैं? मतलब जो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की वैल्यूज होती हैं, वियर्ड किस्म की वैल्यूज। मिसाल के तौर पे यहाँ आपको चार ऑप्शंस लिखी नजर आ रही हैं, 10, 12, 15, 120। तो इसमें ऑफसेट कौन सी वैल्यू दिख रही है? यकीनन आप कहेंगे कि वो ऑफसेट वैल्यू 120 है। तो एलिमिनेशन टेक्निक हमें ये कहती है कि जो वैल्यू सबसे अलग दिख रही है
जैसा कि यहाँ पे 120 इन चार ऑप्शंस में, तो इसे आपने रिमूव कर देना है, इसे आपने रिमूव कर देना है। अच्छा, इस वैल्यू को आपने रिमूव कर देना है, एलिमिनेशन टेक्निक हमें ये बताती है। और इसकी एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है, और इसकी साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि अगर इन चार ऑप्शंस में ये आंसर ठीक होगा तो हर स्टूडेंट जो है वो यही लगा देगा। और आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो राइट आंसर जो होता है वो हमेशा कंफ्यूज करने वाली चीजों की लाइनअप में होता है। जिस तरह ये देखें 10, 12, 15, मतलब ये ऐसी लाइनअप है जो कंफ्यूज कर रही है, करीब करीब आंसर है। तो एलिमिनेशन टेक्निक हमें ये कहती है चार ऑप्शंस में से जो सबसे अजीबोगरीब ऑप्शन हो वो आपने रिमूव कर देनी है, और आंसर आपका हमेशा कंफ्यूज करने वाली लाइनअप में मौजूद होता है। और इन चार ऑप्शन में हमारी रिमूव करने वाली वैल्यू जो है वो 120 है, लिहाजा ये वैल्यू इस केस में हम रिमूव कर देंगे यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक। सॉरी, यहाँ पे वैल्यूज किस वैल्यू में यू होना चाहिए, और ये तीन ऑप्शंस हमारे पास फिर बच जाएंगी। अच्छा, ये तो था फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन मेथड का। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड के सेकंड पॉइंट की, और वो है ऑल ऑफ अबोव नन ऑफ अबोव। अच्छा, ये जो सेकंड स्टेप है एलिमिनेशन मेथड का, ये है ऑल ऑफ अबोव नन ऑफ दीज। अगर ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं तो रिसर्च ये कहती है और पेपर की एनालिसिस भी ये बताते हैं कि अगर ऑल ऑफ अबोव या ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ अबोव या नन ऑफ दीज ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं तो ये 95% प्रोबेबिलिटी है कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का यही होगा। अच्छा, तो यहाँ आपको दो चीजें समझ आई एलिमिनेशन टेक्निक में। एक, आपने ऑफसेट वैल्यूज जो है वो आपने रिमूव कर देनी है, कंसीडर नहीं करनी। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके क्वेश्चन की ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबो, नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबो ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी जो है वो यही ऑप्शन हो सकती है राइट आंसर की। अच्छा, तो ये आपका थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड था। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हम 6 स्टेप्स पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज पेपर्स को सोल्व करने की, उसमें 2 स्टेप हमने पहले देखे। अब ये तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप था, ये था एलिमिनेशन मेथड। इसमें मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये, अगर आपकी जो एमसीक्यूज की ऑप्शंस हैं उसमें 4 ऑप्शंस में एक ऐसी ऑप्शन आ रही है, नज़र आपको आ रही है जो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है, वियर्ड किस्म की है, बाकी 3 ऑप्शन से बिल्कुल हटकर है, तो वो आपने आंखें बंद करके उसको नहीं देखना, कंसिडर नहीं करना, क्योंकि वो आपका आंसर नहीं होगा। ये हमें एलिमिनेशन टेक्निक बताती है। सेकंड, अगर आपको 4 ऑप्शन में से ऑल ऑफ अबो, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबो ऐसी ऑप्शन नजर आ रही है तो 95% ये चांसेस हैं कि यही ऑप्शन जो है वो आपके उस एमसीक्यूज का राइट आंसर होगा। अच्छा, अब हम चौथे इंपॉर्टेंट मेथड की बात करते हैं। सपोज कर लेते हैं आप कहते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आपने डी ऑप्शंस को वो एलिमिनेट कर दिया, पर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा कि ए बी सी में से आपका राइट आंसर कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूं कि साइकोलॉजिकली
जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो यही कोशिश करता है कि ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर ना हो। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका जो राइट आंसर है किसी भी एमसीक्यूज का वो ए या डी ऑप्शन हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, पर मैं ये बात रिसर्च बेस पे कर रहा हूँ जो कि जनरली होता है। तो क्या बात समझ आई यहाँ से आपको कि आपके पास एक एमसीक्यूज है, उसकी चार ऑप्शन है आपके पास, रिसर्च ये बताती है और पेपर एनालिसिस ये बताते हैं कि मोस्टली एग्जामिनर्स जब पेपर सेट करते हैं जो क्वेश्चंस के राइट आंसर्स होते हैं वो ए या डी नहीं होते, वो बी या सी ऑप्शन होती हैं। अच्छा, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपके किसी भी एमसीक्यूज में जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है वो कौन सा होता है, वो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी होती है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी। अच्छा, अगर अब आप ये कहें या बी या सी में से भी आपको नहीं आता तो अब क्या किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग एक आजकल टेक्निक चूज करते हैं जिसे तुक्का टेक्निक कहते हैं। तुक्का टेक्निक में क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको बी या सी में कंफ्यूजन हो, 50-50 चांसेस हो, तो आप जो है वो ऑप्शन बी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ये बात याद रखनी है कि ये भी 100% ट्रू नहीं है, 95% ही है, और वो ये तो वैसे भी ऑब्वियस ही है, कोई चीज भी 100% जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आप बेशक कभी चेक भी कर लीजिएगा, कोई भी अपना पेपर उठा लीजिएगा, तो आप देखेंगे आपके उस पेपर के एमसीक्यूज जो होंगे उन एमसीक्यूज के ज्यादातर जो राइट आंसर्स होंगे वो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी होंगे। तो इस फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप से क्या पता चला कि अगर आपके पास ये स्टेप ये बताता है कि आप जब भी चार आपके पास ऑप्शन होंगी किसी क्वेश्चन की, उसमें ए की प्रोबेबिलिटी कि राइट आंसर ए होगा सबसे कम होती है, और फिर किस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी कम होती है राइट आंसर होने की, डी की। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस कौन सी हो सकती हैं किसी भी एमसीक्यूज में, वो ऑप्शन बी और सी हो सकती हैं, और अगर ऑप्शन बी और सी में भी आप कंफ्यूज हों तो तुक्का टेक्निक यूज करके आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिमेंबर द डायरेक्ट वैल्यूज। अगर हम कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम्स की बात करते हैं, यहाँ अंडर रूट आते हैं, तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने कुछ वैल्यूज जो है, कुछ डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो रिमेंबर कर लेनी है, एज मैनी एज यू कैन। जैसे कि पाई की वैल्यू हो गई, 1/π की वैल्यू हो गई, अंडर रूट में 10 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अब ये वैल्यूज याद होंगी कैसे, एक तो तरीका है रट्टा मार लिया जाए, लेकिन आपने रट्टा नहीं मारना, तो फिर आप पूछेंगे कि ये आप वैल्यूज याद कैसे करेंगे। आपने ये काम करना है, आपने इन वैल्यूज को पेपर के ऊपर लिखना है और मोबाइल से उनकी फोटो बना के मोबाइल या अपने व्हाट्सएप की वॉल पेपर बना लेनी है, क्योंकि जब आप उन चीजों को बार बार देखेंगे तो वो खुद ब खुद ही आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज, रट्टा नहीं मारना आपने। अब सपोज आपको एग्जाम में कोई ऑप्शन नजर आती है 7826 डिवाइडेड बाई 2π एग्जाम्पल के तौर पर, अब आपको पता होगा फिर कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 होती है, तो अगर आप इससे अब 3 ले लें तो इसका मतलब क्या होगा, आप 0.14 जो है वो नीचे से कम कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ऊपर आप कोई वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिस से आती हैं,
इसका क्या फायदा होता है, इससे कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है, बजाय इसकी अगर आप पॉइंट्स में वैल्यू रहने दें और उससे कैलकुलेशंस भी डिफिकल्ट होती हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। तो ये हमारा था फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ जो कि ये बता रहा है कि आपने डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो रिमेम्बर कर लेनी है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट वैल्यूज रिमेम्बर करने का फायदा क्या होता है। इसका सबसे अहम फायदा ये होता है कि एग्जाम में आपका टाइम जो है वो बच जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे अहम बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो है, जो भी एमसीक्यूज होता है वो होता है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स स्मार्ट स्टडी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे हैं, बड़े क्लियर हैं, तो मैं बस लेक्चर्स पढ़ लिए, मैं प्रॉब्लम को प्रैक्टिस नहीं करूंगा और मैं क्वेश्चन ऑन द स्पॉट एग्जाम में कर लूंगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जब भी कोई एक नया क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन से मुराद अनसीन क्वेश्चन, तो 90% केसेस में स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उसकी वजह एग्जाम का प्रेशर भी हो सकता है, कम टाइम तो होता ही होता है, तो आप एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे जो पहले आपने प्रैक्टिस किए हुए हो, या उससे एटलीस्ट अगर कोई अनसीन प्रॉब्लम भी है तो उससे मिलता जुलता कंसेप्ट का प्रॉब्लम या उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम आपने सोल्व किए हुए, आपने देखा हुआ है और ये रियलिटी है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? स्मार्ट स्टडी का मतलब है आपने बल्कि नोट्स जो आपके हैं उन्हें आपने शॉर्ट नोट्स फोटोग्राफ्स में कन्वर्ट करना है और फिर उन शॉर्ट नोट से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे पास जो है सिक्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, जो आप कहीं पे भी जहां आप एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम सॉल्व कर रहे हो वहां आप इन्हें यूज कर सकते हैं, चाहे वो नस्ट एग्जाम है, प्यास का एग्जाम है या कोई और भी एग्जाम है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, खुलासा बता देता हूँ कि पहला स्टेप जो है वो हमारे पास था, आपने किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। सेकेंड स्टेप ये था, आपने अपने पेपर को जो अटेम्प्ट करना है वो 3 स्टेजेस में करना है। आपकी फर्स्ट स्टेज जो है इसमें आपने जस्ट पेपर को एक दफा पेपर से गो थ्रू करना है और जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपने मार्क करते जाना है और जो नहीं आते या जो सोचने वाले हैं उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना। फिर सेकंड स्टेज आ जाती है जो सबसे बड़ी स्टेज है, 1.5 से 2 आवर्स आप इसे रख सकते हैं। अगर आपका पेपर की ड्यूरेशन 3 आवर्स है, इसमें आपने वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको आते हैं पर आपको सोचना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी है, तो इस स्टेज में आप वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और थर्ड स्टेज में आपने वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते पर क्योंकि आपने एक टाइम को डिवाइड किया हुआ है तो आपके पास टाइम बच रहा होगा, चाहे थोड़ा ही हो, तो आपने क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप उन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप की हमने बात की, थर्ड स्टेप में हमने कहा एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है जिसके दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए। पहला पॉइंट ये था कि जब भी आपको ऑप्शंस एमसीक्यूज के ऑप्शंस में ऑफसेट वैल्यूज नजर आए, अजीबोगरीब वैल्यूज आए, एक वैल्यू बाकी 3 वैल्यू से बिल्कुल दूर दूर तक उसका ताल्लुक नजर ना आए, तो वो वैल्यू आप ड्रॉप कर दें, वो कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकती। और एलिमिनेशन टेक्निक का ही सेकेंड स्टेप जो सेकेंड पॉइंट था वो हमें बताता है कि अगर आपके ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबो, नन ऑफ अबो ऐसी ऑप्शन नजर आ रही है तो 95% रिसर्च ये बताती है कि ये ही आपका राइट आंसर होगा, तो आप तब उसे टिक कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप की हमने बात की, फोर्थ स्टेप में हमने देखा कि आपने क्या करना है। हाँ,
कि जब भी एग्जामिनर जो है वो एग्जाम बनाता है तो वो माइंड में ऐसे रख के बनाता है कि जो ऑप्शन ए होती है किसी भी क्वेश्चन की, वो सबसे लीस्ट चांसेस होते हैं कि वो राइट आंसर हो। इसी तरह जो ऑप्शन डी है वो भी लीस्ट चांसेस होते हैं कि वो राइट आंसर हो। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस कौन सी होती हैं किसी भी एमसीक्यूज में राइट होने की, वो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी होती है। मजीद ये भी रिसर्च बेस्ड बात है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो, लेकिन 95% मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। और फिर अगर आप बी या सी ऑप्शन में भी कंफ्यूज हैं, फिर तुक्का टेक्निक हमें ये बताती है कि आप ऑप्शन बी की तरफ जा सकते हैं और वो ही ऑप्शन बी ही आपकी ठीक होगी। समटाइम ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर ट्रिक करते हैं। अगर टेक्निकल एग्जाम्स की बात की जाए, जैसे कि गैट का पेपर, उसमें ऑप्शन ए जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि ये ही राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि राइट ऑप्शन ए में उन्होंने ऐसा जवाब रखा होता है जो उन्हें पता होता है कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे और अगर आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की तो उससे जो आपको जवाब आएगा वो ये होगा। तो और स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई, उनका जो जवाब आया उसे क्रॉस चेक किए बिना वो देखेंगे कि ये तो ऑप्शन ए में मौजूद है, तो वो खुश हो जाएंगे, उसे टिक कर देंगे, हालांकि वो तो एग्जामिनर ने जानबूझ के ऑप्शन ए में रखा होता है ताकि आप ये गलती अगर करें तो यहाँ से आपके नंबर कट जाएं। तो बहुत बहुत रेयर चांस होता है कि किसी भी पेपर में ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस ऑप्शन बी और सी होती हैं। डायरेक्ट वैल्यूज फिर आपने रिमेम्बर रखनी है, इससे क्या होता है कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती हैं, टाइम जो है वो आपका सेफ हो जाता है। और सबसे लास्ट पे हमने डिस्कस किया कि सबसे अहम बात चीज जो है वो स्मार्ट स्टडी है, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है सिर्फ, बल्कि नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वहां से प्रैक्टिस करने हैं प्रॉब्लम, तब ही आप किसी भी अनसीन प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे इस वीडियो को खत्म कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आपने एग्जाम सॉल्व करते वक्त, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम सॉल्व करते वक्त इन 6 बातों का ध्यान रखा और इनको प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया तो आप बहुत अच्छे स्कोर्स जो है वो एग्जाम में कर पाएंगे। थैंक यू।